हाँ तो मित्रों, एक और टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, कैलकुलेशंस ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जरूरत है, हमें कई जगह जरूरत पड़ती है कि किसी भी मॉलिक्यूल में बताइए कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, स्ट्रक्चर निकालने में आगे हमें और जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशंस ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। लिखिए इसको, कैलकुलेशंस ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड हमेशा क्या होगा, पाई, और तीसरा बॉन्ड हमेशा क्या होगा, पाई। चौथा बॉन्ड हो नहीं सकता क्योंकि चार डायरेक्शन हो नहीं सकती। एक्स एक्सिस पे या मॉलिकुलर एक्सिस पे सिग्मा बना दिया, एक पे पाई बना दिया, एक पे दूसरा पाई बना दिया, तीसरी कोई इनके अलावा चौथी कोई डायरेक्शन है ही नहीं, तो चौथा बॉन्ड होगा नहीं। हम जानते हैं कार्बन की चार वैलेंसी है, लेकिन वो फिर भी फोर बॉन्ड नहीं बना पाएगा, वो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड बना सकेगा बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, चौथा बॉन्ड उसे किसी और एटम के साथ ही बनाना पड़ेगा, यानी दो एटम मैक्सिमम एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो सकते हैं, और उनमें पहला सिग्मा होता है जो न्यूक्लियस को जोड़ने वाली एक्सेस है उस पर, और बाकी जो दोनों अलग परपेंडिकुलर एक्सेस हैं उस पर बनने वाला पाई होता है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है हमारे को सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड करना है। तो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड, ये हो गया उसके अंदर बताइए कितने सिग्मा हैं, और एक और हो गया बताइए उसमें कितने पाई हैं, और एक और हो गया बताइए उसमें सिग्मा और पाई का रेशियो क्या है। ये दो हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन की, सिंपल एल्कीन, इसे हम एथीन भी बोलेंगे। कितने सिग्मा है, पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा, तो 1 2 3 4 5 6। एक बार और काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा है, टोटल 6 बॉन्ड है जिसमें एक पाई है, और वो ये है। एक बार और कहते हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा और दूसरा क्या है, पाई। तो एक सिग्मा और एक 5 सिग्मा एंड 1 पाई, तो ये 5 डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारे लिए, 1। ठीक है, अगर हम इसी का कंपेयर एल्काइन से करते, ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए, तो हमारे पास क्या होता, 1 2, पहला सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, ये पाई है, और ये भी क्या है, पाई है। तो हमारे पास कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा, और पाई कितने हैं, 2। तो ये तो हमारे पास 3 सिग्मा है, 1 2 3, और 2 पाई है, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 बॉन्ड। तो हमारे पास 3/2 हो गया, यानी 3/2 हमारे लिए क्या है, सिग्मा बाय पाई का रेशियो। क्या पाई सिग्मा से ज़्यादा हो सकते हैं, देखना पड़ेगा, लेकिन जनरली सिग्मा बॉन्ड हमारे को ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो एक और एग्जांपल के साथ हम बात करेंगे, ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन जुड़ा हुआ है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन जुड़ा हुआ है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन जुड़ा हुआ है, बताइए इसमें टोटल कितने सिग्मा है, टोटल कितने पाई है, देखिए ध्यान से। तो पहला सिग्मा 1 2 3, एक बार और बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9 तो सिग्मा है इसमें। एक बार और काउंट करते हैं, फर्स्ट यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो इसमें क्या है, सिग्मा, बाकी के बचे हुए क्या है, पाई है। तो पाई कितने, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल हमारे पास 18 बॉन्ड है जिसमें से 8 सिग्मा और 8 हमारे पास क्या है, पाई है। तो यहाँ 9/9, यानी कि ये वैल्यू क्या आ रही है, सबसे कम वैल्यू इसी के लिए आ रही है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है, बताइए किस कंपाउंड्स में सिग्मा एंड पाई का रेशियो सबसे कम होगा। आप इसको लिखिए जल्दी से। देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल कराए जिसमें सिग्मा और पाई का आपने वैल्यू कैलकुलेट किया, कुछ और एग्जाम्पल, ये देखिए, ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और आपसे पूछा जा रहा है बताएं इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। तो पहले तो आप बेंजीन को समझिए कि इसमें है कितने सिग्मा। आप इसको ऐसे देखिए, ये कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन,
यहां कार्बन की कितनी वैलेंसी है, चार, यानी हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऐसे, हर कार्बन की चार वैलेंसी के लिए हमारे पास एक कार्बन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे तो कितने सिग्मा है, अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गए हाइड्रोजन वाले, कार्बन हाइड्रोजन, अब कार्बन कार्बन वाले 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए, 12। अगला पाई कितने होंगे, हर देखिएगा 3 पाई दिख ही रहे हैं, वो तो अलग से आपको निकालना पड़ेगा, 3। तो यहां पर पाई कितने हैं, 3, पहला सिग्मा होता है दूसरा ही पाई होता है, तो जहां डबल बॉन्ड दिखेगा वैसे ही दिख रहा है आपको पाई कितने हैं, तो सिग्मा बाय पाई का रेशियो कितना हुआ, 12/3 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। कुछ और एग्जांपल करते हैं, हमसे सिग्मा बॉन्ड पूछा जा रहा है, तो पहले आप खुद ही देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 सिग्मा हमारे को दिख गए, हाँ या ना, कैसे ज्यादा भी है, हाँ। आप देखिए इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्या इस पे जुड़ा हुआ है, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 4 वैलेंसी हो चुकी है, बाकी इन पे भी जुड़ा हुआ है, तो 10 तो हम काउंट ही कर चुके हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हुए हमारे पास, 18। पाई कितने, 3 तो दिख ही रहे हैं और 2 और दिख गए, यानी कि 5, तो ये हो जाएगा 18/5, बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हैं, लिखिए इसको। हाँ हाँ कर दिया,